अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां सारे मुल्क में नए साल का जश्न मनाने के लिए नौजवान सड़कों पर खुशियां मना रहे थे, इस बात से बेखबर कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारा मुल्क का संविधान के खिलाफ कुछ सियासतदान इस मुल्क के टुकड़े करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके बेखबर इससे कई लोगों ने नए साल की खुशियां मनाई। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ तारीखी हैदराबाद के चार मीनार के पास मजलिस इस्लाह कौम मिल्लत की जानिब से बरकत अली खान इसके सदर की मौजूदगी में इन्होंने संविधान की कसम खाई कि हमारे मुल्क का जो कानून है, हमारे मुल्क का जो संविधान है, उसको जो टुकड़े करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, उसको बचाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। जिस तरह से हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए खून दिया, जाने दी और इसी मुल्क की जमीन में वो दफन हुए, और हमारी भी जिंदगी जब तक रहेगी इस मुल्क के हक के लिए लड़ेंगे और इसी जमीन में दफन होंगे। ये एक जज्बे वाला काम था, लेकिन नौजवान इससे बेखबर, आने वाले हालात से बेखबर खुशियां बनाने में मसरूफ थे। बहरहाल इन्होंने ये कसम खाई, उसके बाद मुखबिरों की जानिब से मुखबिरी की गई और टास्क फोर्स पुलिस वहां पर पहुंची और ये सारे लोगों को अपनी हिरासत में लिया। वहां पर चार मीनार एसीपी ने गलत अल्फाजात का भी इस्तेमाल किया। बड़ी शर्म की और अफसोस की बात है, जहां एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है कानून की हिफाजत करना, आम शहरी की हिफाजत करना, लेकिन लगातार पुलिस की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। वो अपने आप को पूरा कानून का सिस्टम समझते हैं, हालांकि वो भी हमारी तरह एक सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। बावजूद इसके ऐसे पुलिस वाले की वजह से सारा महकमा बदनाम हो रहा है। बहरहाल हुकूमत और कुछ सियासतदानों की जानिब से पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आम शहरी के दिल में ये खौफ पैदा करे पुलिस का कि आप अगर कुछ करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी और आपको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अगर हम इस खौफ और डर से हमारा हक मांगना छोड़ दें तो यकीन जानिए फिर आज के बाद से कोई हक नहीं मांगेगा, फिर कोई खड़ा नहीं होगा। ये हमारा मुल्क का कानून हमें इजाजत देता है कि हमारे हक की लड़ाई हम लड़ें, लेकिन पुरअमन तरीके से, किसी को कोई तकलीफ दिए बगैर। बहरहाल ये जो लड़ाई है ये कब तक और कहां तक चलती है ये भी देखना बाकी है, और लोगों में कब तक ये जज्बा रहता है ये भी देखना अभी बाकी है। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। అంత బండి ఎందుకు మనం ఫోర్స్ మొబైల్ పెడతాం and pledge to uphold our constitution.